तो की हाल चाल है ओटाकूस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों ने एक साथ 20K की जर्नी कंप्लीट कर ली है। और इसी खुशी में मैं अनाउंस करता हूँ एक बड़ा सा Q&A टाइप 20K स्पेशल वीडियो। आप लोग अपने अपने क्वेश्चंस इस वीडियो के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम पे जाकर स्टोरी पे पूछ लो। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लो, और इस वीडियो पे अपने क्वेश्चंस को कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो देख लेते हैं पिछले एपिसोड का एक छोटा सा रिकैप। तो आखिरी एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रोकुहारु टेंडाई के एक लौंडे ने गोली चलाई थी, लेकिन वो गोली आखिरकार किसे लगी थी ये अभी भी कन्फर्म नहीं हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि आखिरकार सीन क्या है। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि ताकेमिची बिल्कुल ठीक है। ताकेमिची सेंजू को बोलता है, तुम मर नहीं सकती, तुम ठीक हो ना। हम देखते हैं कि रोकुहारु टेंडाई का वो बंदा बोलता है, तुमने मेरे गोली को डॉच कैसे किया। वो वापस से गोली चलाने ही वाला था, लेकिन तभी कोई आकर उसे मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से बंदूक नीचे गिर जाती है। हम देखते हैं कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि ड्रैकेन होता है। ड्रैकेन एक शील्ड की तरह सेंजू और ताकेमिची के सामने खड़ा होता है, जिसे देख के रोकुहारु टेंडाई के लोगों की फटके चांद ही चौसठ हो गई थी। ड्रैकेन ताकेमिची को बोलता है, तुम ठीक तो हो ना ताकेमिची। सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कांटो मांजी गैंग को। अभी दिखाया जाता है माइकी को, जो कि बोलता है, आज रात बहुत बारिश हो रही है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। आखिरकार आज रात क्या बुरा होने वाला है, देखते हैं आगे। सीन आता है मेले पे और हम लोग देखते हैं कि वहाँ के लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। हम नोटिस करते हैं कि वो लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, एक बंदा जिसके हाथ में बंदूक थी उसने किसी को गोली मार दी, जैसा कि मैंने कहा था किसी को तो गोली लगनी ही थी। हम देखते हैं कि ड्रैकेन को देखकर रोकुहारु टेंडाई के सारे बंदे बिना लड़े ही भाग रहे होते हैं। ताकेमिची ड्रैकेन को बोलता है, तुम्हारा शुक्रिया ड्रैकेन कुन। ड्रैकेन उस बंदूक को लात मारते हुए बोलता है, उन लोगों की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो लोग इतने खतरनाक चीज को लेकर घूम रहे हैं। अब हम देखते हैं कि ताकेमिची फिर से सेंजू को पूछता है, क्या तुम्हें कुछ हुआ है सेंजू, क्या तुम्हें चोट लगी है। सेंजू बोलती है, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि ताकेमिची ड्रैकेन से पूछता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आए थे ड्रैकेन कुन। ड्रैकेन बोलता है, असल में इनुपी ने सुना था कि कुछ लोग यहाँ पर तुम्हें मारने आ रहे हैं, तो मैं तुम्हारे घर पर गया था और मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर हो। ताकेमिची बोलता है, अच्छा तो आखिरकार उन लोगों का प्लान मुझे ही मानना था। ड्रैकेन ही ताकेमिची को बताता है कि वो लोग रोकुहारु टेंडाई से थे। ताकेमिची बोलता है, लेकिन वो लोग मुझे क्यों मारना चाहते थे। ड्रैकेन हंसते हुए बोलता है, कमऑन यार, जस्ट एक बार सोचो कि तुम कितने बड़े इंसान बन चुके हो, जस्ट एक बार अपना नाम तो देखो। मैं पक्का कह सकता हूँ कि वो लोग बहुत ही ज्यादा डर गए होंगे जब उन्होंने सुना होगा कि तुमने ब्राह्मीन को ज्वाइन किया है। ताकेमिची बोलता है, लेकिन इतनी सी बात के लिए एक गन को यूज करना कुछ ज्यादा नहीं हो गया। ड्रैकेन बोलता है, लगता है द वार ऑफ थ्री डेटीज बच्चों के बीच की लड़ाई नहीं होने वाली है, सबके आंखों में कुछ बदलाव आए हैं, पैसा और दूसरे इंटरेस्ट भी इस लड़ाई में जुड़ चुके हैं। ताकेमिची बोलता है, पता नहीं आगे क्या होने वाला है, शायद आगे जो होगा वो देखा नहीं जाएगा। तभी ताकेमिची ड्रैकेन को थोड़ा साइड में ले जाकर बोलता है, ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए, मुझे लगता है कि मैं अभी टाइम लीप के साथ ही साथ थोड़ा बहुत फ्यूचर देख सकता हूँ। ऐसे ही एक फ्यूचर में मैंने देखा था कि आज यहाँ पर सेंजू की मौत होने वाली है, लेकिन मैंने इस भयानक फ्यूचर को बदल दिया, इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है ड्रैकेन कुन। हम दोनों ने सक्सेसफुली एक फ्यूचर को चेंज कर दिया है। ड्रैकेन बोलता है, आई सी, जो भी हुआ अच्छा हुआ। सेंजू बोलती है, हम लोगों को जल्दी यहाँ से बाहर जाना होगा, अगर और लोग यहाँ पर आ गए तो चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। ताकेमिची बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। ये बोलकर वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि ड्रैकेन भाग नहीं रहा था। ड्रैकेन ताकेमिची को बुलाता है और बोलता है, ताकेमिची माइकी को बोलना और परेशानी मत खड़ी करने को। ताकेमिची बोलता है, ये बात तुम माइकी को खुद बोल देना। ड्रैकेन बोलता है, हाँ मैं उसे खुद ही बता देता, लेकिन अफसोस मैं बच नहीं पाऊंगा। यही बोलकर ड्रैकेन नीचे गिर जाता है, मैं इतने तक ही जा सकता था। इसी के साथ हम देखते हैं कि ड्रैकेन को एक नहीं बल्कि तीन गोली लगी होती है। उस समय जो अहम वक्त पर ताकेमिची और सेंजू के सामने आया था, वो बंदा जिसे गोली लगी थी वो ड्रैकेन ही है। ड्रैकेन सोच रहा होता है, चारों तरफ कोई साउंड नहीं है, मेरा हाथ भी नहीं हिल रहा, आसमान और भी धुंधली होती जा रही है। ताकेमिची ड्रैकेन के पास आकर उसे बोलता है, ड्रैकेन ड्रैकेन भाई, मैंने एम्बुलेंस बुला ली है, हम लोग तुझे बचा लेंगे। सीन आता है ड्रैकेन पे, जो कि सोचता है, समझ गया मैं मरने वाला हूँ। ताकेमिची बोलता है, क्या बोल रहे हो ही नहीं सकता कि तुम मर जाओगे, तुम्हें पता है ना कल तुम्हें लगेगा कि आज कुछ भी नहीं हुआ है ना ड्रैकेन कुन, तुम ड्रैकेन हो, तुम मर नहीं सकते। ड्रैकेन ताकेमिची को बोलता है, ताकेमिची मेरे मरने के बाद खुद को ब्लेम मत करना, ठीक है, कभी भी ये मत समझना कि मेरी मौत इसलिए हुई क्योंकि तुम फ्यूचर से वापस आए
गए थे। ये सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने ही ऐसा चाहा था। मैं अपनी खुद की इच्छा से मर रहा हूँ। जो जिंदगी तुमने मुझे दी थी, मैं खुशी से वो जिंदगी तुम्हारे लिए दे सकता हूँ। तुम समझ गए ना ताकेमिची? ताकेमिची बोलता है, हाँ ड्रैगन कुन, मैं समझ गया। ड्रैगन बोलता है, जब मैं एलिमेंट्री स्कूल में था तब मैं हमेशा हार जाता था क्योंकि मैं हमेशा बड़े लड़कों के साथ लड़ाई करता था। हारने के बाद मार खा के जब मैं नीचे गिरा हुआ होता था तब मैं इस आसमान को देखता था और मुझे हमेशा अच्छा लगता था इसे देख के। ताकेमिची बोलता है, मुझे भी ये चीज थोड़ी थोड़ी पता है। ड्रैगन बोलता है, माइकी को इस आसमान के बारे में कुछ भी नहीं पता। हमेशा जीतना अच्छा है लेकिन कभी भी ना हारना एक बोझ है। तुम्हें पता है ताकेमिची, मैं सच में उसे बहुत ज्यादा प्यार करता था। माइकी के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ है लेकिन वो हमेशा हंसता रहता था। मैंने उसके साथ हुए अच्छे और बुरे दोनों चीजों को ही देखा है, इसी वजह से मैं हमेशा उसके लिए कुछ करना चाहता था। ताकेमिची, क्या एक आखिरी बार मैं एक फुद्दू चीज बोल सकता हूँ? माइकी का ख्याल रखना। ताकेमिची बोलता है, मैं जरूर रखूंगा। इसके बाद ड्रैगन अपनी आखिरी शब्द बोलता है, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ एम्मा। हम देखते हैं कि ताकेमिची बात भी नहीं कर पा रहा, तभी एम्बुलेंस आती है। ताकेमिची डॉक्टर्स के पास जाकर बोलता है, तुम उसे बचा लोगे है ना? वो डॉक्टर ताकेमिची को बोलते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो पहले ही मर चुका है। तो आज के लिए इतना ही, मैं इसके आगे और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। एक और बात, अगले एपिसोड में वो आ रहा है ड्रैगन के मौत का रिवेंज लेने। वैसे आप लोग क्यूएनए के लिए अपना क्वेश्चन कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो मिलते हैं बाद में, तब तक के लिए सायोनारा।